हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन नगरी मनाली के ऐतिहासिक गांव सोलंग में बेहद दुखद हादसा हुआ है। यहां पर सोलंग गांव के लिए बना स्थायी पुल सोमवार दोपहर बाद टूट गया और पुल से गुजर रहे दो किशोर ब्यास नदी में बह गए। हालांकि पुल टूटने के दौरान कुछ अन्य लोग भी वहां से गुजर रहे थे, लेकिन अब तक दो बच्चों के बहने की ही बात सामने आई है। दरअसल सोलंग गांव में आजकल सरारी मेला लगा हुआ है। घाटी के लोग मेले का जश्न मनाने के लिए यहां आए हुए थे। दोपहर बाद नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पुल इसकी चपेट में आ गया और दो किशोर नदी में बह गए। नदी में बहे युवकों की पहचान 15 वर्षीय कृष्ण कुमार गांव घोसाल और 17 वर्षीय राहुल गांव बटाहर के तौर पर हुई है। दोनों को सोमवार देर शाम तक कुछ पता नहीं चल पाया था। मौसम खराब और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से सर्च अभियान में दिक्कत पेश आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।